नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के अंतर्गत नगर पालिका परिषद ने रथ और मोटरसाइकिल रैली निकालकर मास्क लगाने का दिया संदेश। खबर धार के मनावर से, जहां मनावर नगर पालिका द्वारा शासन के निर्देश अनुसार एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के अंतर्गत नगर पालिका परिषद ने रैली और रथ निकाला गया। अध्यक्ष श्रीमती संगीता शिवराम पाटीदार, उपाध्यक्ष श्रीमती अनीता सुरेश पाटीदार, सीएमओ सुरेखा जाटव सहित कर्मचारी पत्रकार सहित रहे मौजूद। नगर पालिका परिषद से जन जागरूकता मोटरसाइकिल रैली व रथ भी निकाला गया। कर्मचारियों द्वारा नगर के प्रमुख चौराहों व रास्तों पर खड़े होकर बिना मास्क के जाने वाले राहगीरों को समझाई देते हुए उन्हें कोरोना के बारे में बताया गया। वह मास्क लगाने की हिदायत देते हुए निःशुल्क मास्क वितरण किए। नगर के नागरिकों को कोरोना से बचाव हेतु मास्क पहनने को लेकर 1 अगस्त से 15 अगस्त तक एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान चलाकर आम लोगों को मास्क की उपयोगिता के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। नगर पालिका द्वारा नगर में मास्क बैंक की स्थापना कर स्वयंसेवी संगठनों व अन्य संस्थाओं बन आम नागरिकों से मास्क दान की अपील कर समाज सेवी संगठन संस्थाओं के माध्यम से मास्क का अभियान चलाकर नगर के चौराहे प्रमुख स्थलों पर स्टॉल लगाकर निःशुल्क मास्क का वितरण किया जाएगा। सभी आयोजन में सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन किया जाएगा। नगर पालिका से रैली निकाली गई और गांधी चौराहे पर बगैर मास्क घूम रहे लोगों को मास्क लगाकर कोरोना महामारी से बचाव के बारे में समझाइश दी गई। के माध्यम से वाहन रैली और रथ वाहन रैली दोनों को लेकर चलाए। सभी पार्षद गण, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सभी कर्मचारी और सभी आप मीडिया लोग उपस्थित रहे। क्या उद्देश्य देना चाहते हैं इससे? इसका ये उद्देश्य है कि सभी मास्क लगाएं। इसमें मेन ये भी है कि जो स्वयं सभी संस्थाएँ हैं वो कुछ मास्क हमें दान करेंगे, तो हम जो गरीब और ज़रूरतमंद हैं उन सभी को मास्क प्रदाय करें। और हर व्यक्ति अगर मास्क लगाएगा तो कोरोना संक्रमण से बचत होगी और बचेगा बीमारी से। मनावर से अनिल तोमर की रिपोर्ट।